आपने सोशल मीडिया पर बच्चों की आंसर शीट देखी है जो अजीबोगरीब जवाब के लिए वायरल हो जाती है, जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन अब किसी बच्चे की आंसर शीट वायरल नहीं हुई है, बल्कि इस बार एक स्टूडेंट की मार्कशीट वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बच्चे को 200 में से 212 अंक मिले हैं। ये मामला गुजरात के दाहोद का बताया जा रहा है, जहां बच्चे की मार्कशीट देखकर उसके पेरेंट्स भी चौंक गए। ये कारनामा स्कूल के स्टाफ ने किया। बच्ची जब मार्कशीट लेकर घर आई तो पेरेंट्स ने खुशी जताई, लेकिन जब नंबर पर नजर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत बेटी के टीचर को फोन किया और नंबर के बारे में तफ्तीश से बताया। टीचर ने मार्कशीट लेकर पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, जहां स्कूल स्टाफ की इस गलती को दुरुस्त कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस छात्रा की मार्कशीट वायरल हुई है, उसका नाम वशी बेन मनीष भाई है। गुजरात के झालौज तालुका के खरसाना गाँव में प्राइमरी स्कूल की 4th क्लास की स्टूडेंट है वंशीबेन मनीष भाई को जब अपना रिपोर्ट कार्ड मिला तो उसके साथ सभी लोग नंबर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने इन विषयों में अधिकतम से भी ज्यादा अंक हासिल किए थे। वंशीबेन को गुजराती विषय में 200 में से 211 नंबर मिले थे, वहीं मैथ्स में 200 में से 212 अंक दिए गए थे। स्कूल के इस गलती ने शिक्षा प्रणाली को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन बाद में स्कूल के ध्यान में जब ये मामला लाया गया तो इस गलती को सुधार लिया गया। दरअसल वंशीबेन ने गुजराती में 200 में से 191 और मैथ्स में 190 अंक हासिल किए थे। बाकी विषयों के नंबर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ। वंशीबेन को कुल 1000 में से 934 अंक मिले हैं। दूसरी तरफ जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में जांच बैठा दी है। ये पता लगाने को कहा गया है कि गलती किस तरह से हुई है। फिलहाल बच्ची की मार्कशीट इंटरनेट पर वायरल हो रही है, कई लोग मीम्स भी बनाने में जुट गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने तरीके से अपने रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स चर्चा कर रहे हैं कि क्या नई शिक्षा नीति इस तरह के कारनामे करने का अधिकार दे रही है। क्या देश में स्कूल एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है? सरकारें क्वालिटी एजुकेशन की बात करती हैं, लेकिन क्या इस तरह क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।